मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए, और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल साइट, फील करें यू आर इन द क्लास, और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ द टॉपिक इज आइडियाज दैट हैव हॉर्म मैनकाइंड फ्रॉम रसल। अनपॉपुलर एसेज। आई हैव अ बुक, द नेम ऑफ द बुक इज करंट प्रोज, गुलाम रसूल सन्स। रसल वॉज अ साइंटिस्ट, अ मैथमेटिशियन, अ लॉजिशियन, लॉजिक देने वाला, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल अ ह्यूमनिस्ट फिलोसफर। He was awarded Nobel Prize for his services for mankind. He has been considered as the most genius man of 20th century. First World War disturbed him a lot, and after that he utilized all of his genius to find a better and peaceful way of living for man. Second World War ne usko bahut zyada disturb kiya, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने अपनी तमाम तर जहानत को इस खोज में लगा दिया कि इंसान के जिंदा रहने के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे इंसान सिविलाइज और पीसफुल जिंदगी गुजार सकता है। ऑलरेडी ही वॉज अ रियलिस्ट, वो रियलिस्ट था, हकैक पसंद था, वो झूठी पुरफरेब कहानियों पर यकीन रखने वाला नहीं था। अगर वो पुर उम्मीद भी था तो फिर भी उसने सारे वेपन्स कैरी किए हुए थे। वो ऐसा पुर उम्मीद था जिसने तमाम तर वेपन्स उठाए हुए हैं, तमाम तर औजार उसके पास हैं। ही इज अ प्रैक्टिकल, ही इज रियलिस्टिक। ऑलरेडी ही वॉज अ रियलिस्ट, बट वॉर मेड हिज अप्रोच इवन मोर बिटरली रियलिस्टिक। लेकिन जंग ने उसे मजीद रियलिस्टिक बना दिया। एज अ क्रिटिक हैज सेड, ही इज अ हार्ड हेडेड, सख्त जहन वाला, क्रिटिकल, तनकीद निगाह, कास्टिक रियलिस्ट, बिटर रियलिस्ट, सख्त रियलिस्ट था। ही इज अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ इवल एंड स्टूपिडिटी। वो अहमक अहमक और बुराई, अहमकानापन और बुराई की गहराइयों को जानता था। To be found in the heart of man, जो इंसान के हार्ट में मौजूद होती हैं। इंसान के हार्ट में क्या हमाकतें मौजूद होती हैं, क्या बुराइयाँ मौजूद होती हैं, इंसान की नेचर में क्या हमाकतें और क्या बुराइयाँ हैं, वो इसे डीपली जानता है। ये किसी क्रिटिक ने कहा था। That's why he exhausted all his efforts to harmonize humanness. इसीलिए exhausted उसने खर्च कर दी, उसे खर्च कर दी तमाम तरह अपनी कोशिशें हार्मोनाइज करने के लिए। किसको? इंसानियत को, एंड मटेरियल प्रोग्रेस। और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए उसे तमाम तरह अपनी कोशिशें सर्फ की। इन हिज ऐसे आइडियाज दैट हैव हार्म मैनकाइंड, वो कौन से आइडियाज हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते आए हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं और फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर उसने एक ऐसे लिखा है। रसल डिस्कस दोज सेट्स ऑफ बिलीफ। रसल डिस्कस करता है बिलीव्स को, अकैद को, वो कौन से अकैद के फिरके हैं विद प्रूव हार्मफुल इन द पास्ट, जो माजी में नुकसानदार साबित हुए हैं, एंड खुद हार्म अगेन, और दोबारा भी नुकसान कर सकते हैं। इफ दीज आर नॉट चेक्ड स्ट्रिक्टली, अगर इनको सही सख्ती के साथ इनसे ना निपटा गया। According to Russell, human misfortunes are of two types. इंसानी सफरिंग जो हैं, बदकिस्मतियाँ, दुख जो हैं, दो तरह के हैं। Clear? Those which are inflicted by the non-human environments. एक वो दुख हैं जो आफत की शक्ल में आते हैं, जो natural catastrophe की शक्ल में आते हैं, जो natural disaster होते हैं, flood, whirlwind, एंड स्टॉर्म्स, ये सारे आसमानी आफात हैं। एक वो हैं जो आसमानी आफात हैं, वो इंसान को नुकसान देती हैं, एक बात। दूसरे कौन से हैं? दोज विच ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स इन्फ्लिक्ट
ऑन वन अनदर। दूसरे वो दुख हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर लागू कर रहा है, दूसरे इंसान के ऊपर डाल रहा है। यानी कि एक वो दुख हैं जो नेचर की तरफ से मिलते हैं, दूसरे कौन से दुख हैं, इंसान दूसरे इंसान को देता है। तो मेरे ख्याल में आसमानी दुख जो हैं वो शायद हम सॉल्व ना कर सकें अभी, लेकिन कम से कम इंसानी दुखों से तो छुटकारा पा लें। तो रसल इंसानी दुखों की बात करेगा कि इंसान तो कम से कम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दुख ना दें। रसल इज ऑफ द व्यू दैट विद द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की तरक्की के साथ साथ द मिसफॉर्च्यून्स, वो बदकिस्मती विच पीपल इन्फ्लिक्ट ऑन ईच अदर एंड ऑन देमसेल्व्स, वो जो लोग एक दूसरे को दुख देते हैं और अपने आप को जो दुख देते हैं, हैव ग्रेटली बीन इंक्रीज्ड, वो बहुत बढ़ गए हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है इंसान के एक दूसरे को दुख देने की रविश भी बढ़ गई है। Then the misfortune caused by non-human वॉइस, बनिस्बत उन दुखों के जो आसमानी आफात की सूरत में हमें मिलते हैं। यानी कि आज आसमानी आफात इतना डिजास्टर नहीं करते जितना इंसानी आफात, इंसान एक दूसरे को जितना दुख देता है, जितना डिस्ट्रॉय करता है, तबाह बर्बाद करता है, तबाही। फॉर द फ्यूचर therefore इट मे बी taken फॉर granted दैट मच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट evils दैट mankind हैव टू consider आर दोज विच दे inflict अपॉन ईच अदर थ्रू स्टूपिडिटी एंड malevolence आर both malevolence तशद्दुद। जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो ये बात यकीनी है कि बहुत सारी बुराइयाँ ऐसी हैं दैट mankind हैव टू कंसिडर जो इंसान अपने पास रखता है, और रोज विच द इन्फ्लिक्ट, और ये इंसानी बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो इंसान इंसान के ऊपर डाल रहा है। कैसे, किस जरिए से, स्टूपिडिटी की वजह से, अहमकानापन की वजह से, और तशद्दुद की वजह से। उसी ऊपर वाली बात को रसल के अपने अल्फाज में नीचे लिख दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड ही सजेस्ट दैट आइडियाज आर ethically neutral। आगे बढ़ते हुए वो ये बताता है कि आइडियाज जो होते हैं वो ethically, morally neutral होते हैं। morally वो neutral होते हैं। आइडिया कोई भी हो उसका कोई moral नहीं होता। आइडिया कोई भी हो वो morally neutral होता है। आइडिया कोई भी हो वो neutral होता है, उसके ना कोई moral नहीं होता। ये फिर आगे इंसान होते हैं जो उसको अपने इस्तेमाल के लिए तब्दील कर लेते हैं, बदल देते हैं। एंड दीज आर ह्यूमन पैशंस, और ये इंसानी जज्बे हैं, विच मेक देम गुड और बैड। आइडिया कोई भी बुरा नहीं है, ये इंसानी जज्बे होते हैं जो इस आइडिया को गुड या बैड कर देते हैं, ये इंसान करता है उसे। रसल थिंक्स दैट, इसकी कोई एग्जांपल, नस्ल बढ़ाने का आइडिया, नस्ल बढ़ाने का आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, आइडिया है नस्ल बढ़ानी है। अब ये इंसानी पैशंस हैं कि जी आप नस्ल यूं नहीं बढ़ाएंगे, यूं बढ़ाएंगे, आप पहले सर्टिफिकेट लेंगे, आप पहले अलाउंस लेंगे, आप पहले ये करेंगे, आप पहले पूरा एक तरतीब के साथ मैनेजर के साथ आएंगे। ये इंसानी पैशंस हैं जो चाहते हैं कि इसी तरह से लोग, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो 100% कोई भी मॉरल उसे दिया जाए वो उसे फॉलो नहीं करता, इसमें से तशद्दुद के रास्ते निकल आते हैं। ये ह्यूमन पैशंस हैं। असल में अगर कोई शख्स कहता है कि शादी करने के लिए लाजिम है कि उस शख्स को 10 फुट के ऊपर से जंप या 20 फुट के ऊपर से जंप लगाना जरूरी है, ये शर्त है सपोज, किसी भी कल्चर में है, वो आइबो कल्चर है, कोई कल्चर भी है, और उसकी शादी के से पहले शर्त ये भी है कि सारे दांत निकलवाने पड़ेंगे। ये दो कंडीशंस हैं। हैव यू एवर लिसनड, कभी आपने सुनी है ये शायद? एक पूरा कबीला है, इस्लामिक कबीला है, वो शादी करने से पहले अपने दांत सारे निकलवाता है और पहले हज भी करता है फिर शादी करता है। ये कबीला है। ये कबीला कहाँ का है मैंने ना किताब से पढ़ा या कहीं से, ये मुझे मेरे वालिद ने बताया। अब उसको कहाँ से पता चला, वो कहता है जी मुझे कुछ लोग मिले थे,
फिर दांत निकलवाने के बाद वो सारे आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, एक प्रोसेस है। अब ये नस्ल बढ़ाने का आइडिया तो ठीक है, शादी करना है का आइडिया भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर ये ह्यूमन पैशंस हैं कि ये दांत निकलवाए जाएं, या उसको 20 फुट के ऊपर जंप लगना है, या उसने कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इवन ये एग्जांपल गलत है सारी की सारी, लेकिन मैंने एक ये एग्जांपल दिए कि ह्यूमन पैशंस को राइट और रॉन्ग करते हैं। रेफर थिंक्स दैट यूजुअली पैशंस रॉन्ग इन आइडियाज, अक्सर जज्बात जो होते हैं ये आइडियाज को भी तबाह कर देते हैं। इवन पैशंस क्रिएट फॉल्स इरेशनल बिलीव्स एंड आइडियाज। अगर पैशंस आपके बुरे होंगे, वैश्याना पैशंस होंगे, तो फॉल्स गलत किस्म की इरेशनल बिलीव जन्म लेंगे, गैर अकली बिलीव जन्म लेंगे। हाँ जी, एग्रीकल्चर में जैसे हुआ, वहां पर छोटे बच्चों को जिबा करके डाल दिया जाता था, तो ये रॉन्ग बिलीव ने जन्म लिया। क्यों क्यों लिया? ईवल पैशंस की वजह से। पैशन असल में ईवल है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, आप माइंड में रखेंगे, मैन इज अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। ये वैश्य भी है एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम गाय की तरह इनोसेंट भी है। बोथ थिंग्स आर वर्ड। नहीं, उसकी टांगों में पाया जाता है। जहन के अंदर होता है तशद्दुद बेटा, हाँ फितरतन होता है। एंड आइडियाज, और यह इरेशनल आइडियाज और बिलीव पर यकीन रखता है फॉर देयर आउटलेट, अपने जज्बात को बाहर निकलने के लिए। टाइम से आया करें, एक मिनट ठहरें, आप उधर जाएं, आप पीछे हो जाएं, आप इधर ऊपर आके बैठे मेरे सामने, ताकि थके ना आप, बैठ जाओ। ओपन योर बुक पेज नंबर 164, ideas that have harmed mankind. 164. Their outlet, outlet का मतलब ये है, outlet का मतलब ये है बाहर निकालना, अपने वैश्याना जज्बों को बाहर निकालने के लिए इंसान वो ideas को तबाह कर देता है, या उसको तब्दील कर लेता है, या इरेशनल किस्म के एतकाद बना लेता है। दीज इवल पैशन डिसगाइज देमसेल्व्स इनटू फॉल्स बिलीव्स। ये जो बुरे पैशंस हैं, ये गलत एतकादात के अंदर छुपे हुए होते हैं। बलि देना, इंसानी बलि देना, सख्ती करना, ये क्या है? असल में इवल पैशंस हैं, और रॉन्ग बिलीव के अंदर उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं। क्लियर? क्रिश्चियन का ये कहना कि पूरी दुनिया के तमाम लोग क्रिश्चियन होने चाहिए, जो नॉन क्रिश्चियन है उसको मार दो, ये उनका बिलीव अगर है, नॉन क्रिश्चियन को खत्म कर दो, अगर ये बिलीव है उनका, तो फिर क्या है? इसके अंदर वैश्याना किस्म की सोच अंदर छुपी हुई है। असल वो क्रिश्चियनिटी नहीं चाहते, क्योंकि क्राइस्ट ने ऐसा नहीं कहा। अगर बाइबल में लिखा हुआ भी है तो उन्होंने पुट किया है। वो क्यों चाहते हैं ऐसा हो? क्योंकि असल में वो चाहते हैं कत्लो गारत को देखें, उनके अंदर ईवल पैशंस हैं। इंसान दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता है, ठीक है ये बात, दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता है, अपने ऊपर ना ले जाइए ये बात। ये तो ईवल पैशंस है ना, गुड पैशन भी है। गुड तो यही के नाम, तो हम खुद की तरह हमारी तकलीफ देके कितना खुश होते हैं। ऐसा नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरों को तकलीफ देकर खुश नहीं होते। कई मरतबा ऐसा होता है बच्चों को डांट देते हैं, कई मरतबा ऐसा हुआ है बाद में रात को इतने उदास हो जाते हैं, यार फिलहाल शख्स को थप्पड़ मार दिया, नहीं मारना था, फिलहाल को स्टिक मार दिया, रो रहा था बच्चा। कई बार ऐसा होता है, फील होता है कि यार नहीं होना था जी। कई बार मैं रो भी पड़ता हूँ रात को कि यार ये बात ऐसी मैंने नहीं कही नहीं थी, पता नहीं उसको कैसा गुजरेगी, अब उसकी रात कैसी गुजरेगी। होता ओवरऑल इवल पैशन अगर अंदर होंगे तो फिर आपने रॉन्ग किस्म के बिलीव्स बना लेने हैं, रॉन्ग किस्म के बिलीव्स बना लेने। किसने बनाने हैं? तो बिलीव कौन बनाता है? चलो एक गलत पक हो गया ना। कोई नहीं।
एंथस कॉज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी, और वजह बनते हैं नुकसान देने की और तबाही की इंसानियत के लिए। एन एग्जाम्पल टू दिस नोशन, इस हवाले की मिसाल देने के लिए रसल गिव्स द साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ मॉब्स ड्यूरिंग द डेज ऑफ द स्पेनिश इंक्विजिशन। स्पेन के अंदर 19th सेंचुरी तक एक क्रूअल तरीन ज्यूरी थी जो कि रिलीजियस थी। ज्यूरी एक पूरा का पूरा एक अदालती सेटअप था, ज्यूरी थी 19th सेंचुरी से पहले, रिलीजियस थी। और किसके लिए बनाई गई थी? नॉन रिलीजियस लोगों के लिए बनाई गई थी कि जो भी रिलीजन के खिलाफ बोलेगा उसको वैश्याना तरीके से कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा। स्पेनिश बेटा, स्पेनिश, स्पेन की इंक्विजिशन बनी थी। इंक्विजिशन का मतलब अदालत, रिलीजियस ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब अदालती सेटअप। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है कि किस तरह से उसकी उन्होंने साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की है कि उस वक्त के जो लोग थे और मोब थे जो उनके एटीट्यूड के लिए, या मोब जो थे उसको किस तरह, जो बड़ा लश्कर था, लोग थे वहाँ पर, प्रॉब्लम थे, उसके लिए स्पेनिश इंक्विजिशन बनाया गया। अब बताएं कि हम यहाँ पर बैठे हुए वो जो रिलीजियस लोग थे वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये बिलीव के खिलाफ बोलते हैं, ये गॉड के और उनके देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दिया जाए, इनको ज़िबा कर दिया जाए। तो आप जो उस दोनों उस बिलीफ पर यकीन ही नहीं रखते, आपके लिए क्या है? आप तो कहेंगे वहशत है, आप तो कहेंगे वहशत है, क्योंकि आप सही देख रहे हैं। अगर एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर एक कालू देवता रहता है, कालू देवता, और कालू देवता के अगर मुंह पर किसी ने थप्पड़ मार दिया, या कालू देवता के उस पत्थर वाले मुंह के ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया है, तो वो कहते हैं इसको मार दो, इस बच्चे को, इस आदमी को मार दो, क्योंकि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हम जो बाहर बैठे हैं, हम कहते हैं कालू देवता के मुंह पर 200 लीटर मारो फिर भी कुछ नहीं होता। उनका बिलीव है, और असल में वो बिलीव क्यों वो रखते हैं, असल में ईवल पैशंस हैं, वो किसी बच्चे को ज़िबह करना चाहते हैं। हैव यू सीन द मूवी शूद्रा? शूद्रा मूवी देखी है? आप मूवीज नहीं देखते तो आप किस लिए लिटरेचर पढ़ने आए हैं? मूवीज देखा करें ना आप। हम लोग अच्छे तो लोग तो नहीं है, हम माशरे के खराब तरीन लोग हम हैं, सबसे गंदे माशरे के, इस माशरे के हवाले से सबसे गंदे हम हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हम कितने बेहतर हैं, वो हमें मालूम है, सिर्फ उनको नहीं मालूम। तो मूवीज वगैरह खुदारा देखा करें, और उससे आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। शूद्रा मूवी जो है उसके अंदर दिखाया है कि बच्चे ने भगवान का नाम ले लिया, वो बच्चा शूद्र था हिंदू, उसे भगवान का नाम ले लिया, तो उस वक्त के जो पादरी थे उन्होंने ये आर्डर दिया कि बच्चे की जबान काट दीजिए, और बच्चे की जबान अंदर से काट देते हैं वो इसे पकड़ कर। अब आप जो बाहर बैठे हैं उस रिलीजन से, आप बाहर आप कहेंगे यार ये अंदर जो पादरी हैं, ये अंदर जो पंडित हैं, असल में ये जालिम हैं, ये चाहते हैं कि जुल्म हो, ईवल पैशन है इनके अंदर, इसलिए इन्होंने ऐसे ही बिलीव बनाए हुए हैं। क्लियर? यस, क्वेश्चन। ये आर्ट मूवीज होती हैं, ये आर्ट मूवीज होती हैं, तो आप सर्च किया करें। मैं वो मूवीज तो आपको नहीं कहता देखने के लिए जो मतलब जिसमें डांस होता है, न्यूड गर्ल्स होती हैं, मैं तो आपको वो कहता हूँ कि जिसके अंदर लेसन है, अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हें लगता है आता है स्टोरी पढ़ते हैं उसका भी मॉरल होता है। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। एट दैट टाइम हेरिटिक्स नॉन बिलीवर्स, और उस वक्त जो नॉन बिलीवर्स थे, हेरिटिक्स को कहते हैं, वर बर्न्ड अलाइव एज अ रैटुअस एक्ट, और उस वक्त के जो लोग थे जो नॉन बिलीवर थे उनको जिंदा जलाया गया, और कहा गया ये रिलीजियस एक्ट है, ये सही एक्ट है। बहुत सारे लोग तालिबान के साथ थे, लेकिन जिस वक्त एक फौजी की, एक मेजर की उन्होंने गर्दन काट कर 7 कलमे पढ़कर इसे लड़ाई थी और वीडियो बनाकर उन्होंने फेंकी नेट पर, तो बहुत सारे लोग तालिबान के साथ नहीं हुए। कौन से साथ नहीं हुए? वापस आ गए, तालिबान को छोड़ गए। कौन थे वो, पता है? वो रियलिस्टिक थे, उनको अंदाजा हो गया कि नहीं यार ये तो रॉन्ग बिलीव है, ये नहीं होना चाहिए।
उनको अंदाजा हो गया तो बहुत से लोग पीछे हट गए थे जो उनकी फेवर में थे तालिबान के, ठीक। यानी कि जहां पर इंसानियत का कत्ल होता है और दर्द दिल और इंसानियत रखने वाले लोग क्या हैं, वहां पर वो उसके तहफ्फुज में आते हैं, ना कि वो ब्रूटलिटी को बढ़ाते हैं। अब तो शऊर काफी हद तक बेहतर हो गया है, अब तो काफी हद तक बेहतर हो गया। Russell thinks that this various impulse is also involved in people's justification of wars. कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि जंगें होनी चाहिए, जंगों की justification करते हैं, उनके अंदर भी ऐसे evil passions मौजूद होते हैं। मेरा दोस्त मलिक जहांगीर, बड़ी बड़ी मूछों वाला, वो ऐसे कहते हैं, कहते भुट्टा साहब क्या है जिंदगी का मतलब, क्या कहते हैं आप भुट्टा साहब, ये सारे लोग क्यों नहीं जाते, जाकर जहाद करें, लड़े ये जाकर। और मैं देखता था, मैं कहा यार कैसे इसके अंदर पैशन हैं, ये कहते तमाम माएँ अपने बच्चों को भेज दे और नौजवान छोटे बड़े सब जाके कट मर जाएं वहां से एक बार, ये कैसे पैशन है, और उसको खुद पता नहीं है कि ये मेरे अंदर ईवल पैशन कैसे उभर रहे हैं। वट सेवर कुछ भी था हमारे, ये नहीं, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह ईवल पैशन आते हैं तो वो किस तरह रिलीजियस बिलीव बना लेते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। क्रिश्चियन ने भी तो ऐसा किया, उन्होंने इतनी दुनिया को तबाह किया, जर्मन ने भी ऐसा किया, बिलीफ के पीछे बसने के बसने तबाह कर दिए। और हैरत की बात तो ये है कि हर बिलीव का शख्स समझता है, जो जिस चीज पर बिलीव रखता है, चाहे बुद्धा पर रखता है, चाहे राम कृष्ण चंद्र पर रखता है, चाहे वो गॉड पर रखता है, जिस पर भी जो यकीन रखता है, मैं हैरान होता हूँ, वो कहता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। वो इतना सा फिरका होता है, इतना सा, टोटल तादाद उनके फॉलोअर्स की 50,000 होती है, और वो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं हमने पूरी दुनिया को सिविलाइज कैसे करना है। ऐसे ऐसे फिरके भी मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर, कई बस्तियों में बैठे प्लान कर रहे हैं जी दुनिया को सिविलाइज कैसे करना है, हमने करना है, और ऐसा होगा एक दिन सारे के सारे जो है कालू देवता के पुजारी होंगे, वो कहते हैं। और हर शख्स को अपने अपने देवता के साथ इतना ही लगन, और ऐसे ही वो चाहता है कि ऐसे ही होगा। तो इट्स मीन दैट दीज बिलीव्स और ये सारी चीजें जो हैं, ये कोई इसका कोई ऐसा डेप्थ नहीं है कि ये लोग इसके लिए कट मर जाएं। हर शख्स जो सोच रहा है अपने अपने ताई कोशिश कर रहा है, तो जरूरत किस चीज की है, उस ईवल पेशेंस को रोकने की है जो कि बिलीव्स बनाते हैं और फिर आगे जाकर उसकी नाम लेकर मारते हैं, कत्ल करते हैं। सर हमें परवरिश भी तो हो रही है ना उसी सेटअप के अंदर, इस वजह से हम लोग बिलीव हमारे कमजोर से जाते हैं और हर शख्स अपने अपने माहौल के अंदर ढलता चला जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन मैंने पिछले 10 सालों में जितनी तब्दीली देखी है अपने मुल्क के अंदर भी, इतनी तब्दीली आ गई है कि लोगों को इतना शऊर आ गया है कि अब लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, जंगे करने के लिए कोई तैयार नहीं। वर्ल्ड के अंदर तो ये चीजें बहुत रिड्यूस हो गई हैं। वो अगर मार रहे हैं जिनको वो मार रहे हैं तो वो समझते हैं उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है कि ये लोग जो हैं जिद्दी किस्म के हैं, ये लोग बिल्कुल ना अकल इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, इनको मार। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका को अगर मरवाता है तो हम देखते हैं, हमें लगता है कि अमेरिका जालिम है, जाबिर है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर होते किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर तो आपको कहते कि दुनिया के, आप कहते कि 97% जो ममालिक हैं, 97% जो खित्ते हैं वो सारे के सारे बड़े सिविलाइज हो चुके हैं, और आपको 3% नजर आते हैं कि 3% खित्ता जो है वो ब्रूटल्स का है, और उनमें से आपको हम सारे ब्रूटल नजर आ रहे होते हैं। इसीलिए अमेरिका मारता है, वो जस्टिफाई है, वो कहते हैं मारो जी इनको, ये ब्रूटल है। जस्टिफाई हो भी जाता है क्या, उन्होंने कहा कि आप हार्मोनाइज हो जाएं, सिविलाइज हो जाएं, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी हुकूमत होगी इधर और इस तरह कानून होंगे, लोग दाढ़ी भी रखेंगे और इस्लामिक पूरी वो होगी। उन्होंने कहा ये तो जमहूरियत के खिलाफ है, यहाँ एक और चीज़ पैदा हो रही है, हमने पहले रशिया को ख़त्म किया उसके अंदर भी यही चीज़ थी अथॉरिटी, फिर ये अथॉरिटी बन रहे हैं, अथॉरिटी ना बनने देता, उन्होंने उसको रोका तो वहां पर उन्होंने हमला कर दिया, फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत आदमी। हाँ वो ये है कि फिर नीचे नीचे खित्तों में मोहम्मद बिन कासिम को क्यों बुलाया गया था, जुल्म हो रहा था ना, ये फिर उस सिनेरियो में आप देखेंगे कि जी वहां लोग अंदर भी लोग होते हैं
जो कहते हैं कि अमेरिका आ जाए ताकि हमारी इनसे जान छूटे। अब जो अब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कितने परसेंट लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन सारा का सारे कानून आ जाए? कैन यू इमेजिन? नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री परसेंट लोग ये हैं इस पाकिस्तान के खित्ते में जो कहते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अमेरिकन रूल सारे के सारे अमेरिकन लॉ लागू हो जाए। अमेरिका आए नहीं, लेकिन अमेरिकन लॉ लागू हो जाए। अमेरिकन लॉ का क्या मतलब है? यहाँ पर क्लब्स हों, यहाँ पर खेल कूद के सारे मौके मिले, यहाँ पर तहफ़ मिल जाए, यहाँ पर सारे मैनर्स आ जाएँ, और यहाँ पर शराबें भी हों और इन्जॉय करने के मौके भी हों, सब चीज़ें वो चाह रहे हैं। क्योंकि अब यूं देखते हैं कि जो उनके बड़े हैं सरबरा, वो तो याशियाँ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अमेरिकन मूड में जी रहे हैं, और हम सारे नीचे जो हैं वो जकड़े हुए हैं। तो लोग सारे के सारे अगर वो यहाँ पर प्रॉपर देखे, उसने कहा मैं अमेरिकन लॉ यहाँ पर लागू करता हूँ, तो मोस्टली लोग उनकी फेवर दे देंगे, चंद एक तबके नहीं देंगे। तो अभी कराची में जो कुछ हो रहा है ना, तो परसों टीवी पे एक बंदा वहाँ पे कह रहा था आवाम में से, यानी कह रहा, वो कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि आके यहाँ ओवरटेक कर लें हमारे मुल्क को, हम क्यों नहीं है यहाँ से, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था टीवी पे आकर, उसने कहा कि आप आके यहाँ जो है ना खुद आ जाए पाकिस्तान आप संभाल, यानी कि लोग इतने तंग है। अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस समझ रहे हैं। ग्लोबल विलेज बनने जा रहा है वैसे भी, आइए देखते हैं। सेसर सेज पीपल हु आर विगरस एंड ब्रूटल, वो लोग जो जज्बाती हैं और वैशी हैं, ऑफन फाइंड वॉर एंजॉयबल, उन्हें जंगें बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रोवाइडेड दैट इट इज अ विक्टोरियस वॉर, और वो ये भी कहते हैं कि ये जंग जो है ये जीतने वाली जंग है, एंड देर इज नॉट मच इंटरफेरेंस विद रेप एंड प्लुंडर, प्लुंडर लूटमार, और फिर जैसे इसके अंदर रेप और लूटमार का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जब जंग होती है तो आप जंग किस लिए करते हैं? हक के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए करते हैं, आप अपने राइट्स को हासिल करने के लिए जंग करते हैं। और जब जंग करते हैं तो जंग के अंदर क्या होता है? क्या जंग के अंदर लूट मार नहीं होती? क्या अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान पर जंग की है या इराक के साथ की है तो क्या वहां से लूट मार नहीं हुई? क्या वहां पर इंग्लिश पीपल ने आकर वहां पर रेप नहीं किए? क्या आपके यहाँ आपके हिंदुस्तान में जितने लोग आए हैं यहाँ हमले करने के लिए हिस्ट्री शुरू से, अकबर बाबर दूसरे तीसरे सारे मिलाकर जितने भी लोग, क्या उन्होंने आकर रेप नहीं किए? क्या उन्होंने लूट मार नहीं की? तो रेप नहीं किए? एक हिंदू औरत है, मुसलमान उसे निकाह पढ़ा के ले जाता है तो वो तो उसका रेप हो गया, हिंदू औरत के लिए तो रेप है उसका, क्योंकि उसके लिए बिलीव नहीं ये नहीं है। तो आपकी आपकी मदर को कोई आए हिंदू, वो उसके साथ शादी कर ले, तो क्या आप कहेंगे ओह शुक्र है हिंदू तो किया है ना? आप कहेंगे? आप नेवर कभी नहीं कहेंगे बेटा, आप हमारे तकादर से तोड़ दिए, मार दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारी थेरी है, आप कहेंगे। तो वो हिंदू को जो करेंगे तो हिंदू भी तो कहेगा ना, मेरी थेरीज है, मेरी फिलासफी है, मेरा राम है, फलाना कुत्ते का बच्चा है, मैं उसको पूछती हूँ, तो वो तो उसे नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी भाई, उसके लिए तो गलत हो जाएगा सारा कुछ। नहीं सर, सही होगा अगर शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो आप सोच रहे हैं ना बेटा, वो भी तो सोच रहे हैं, मेरा बेटा आप सोचते हैं कि हिंदू यहाँ इस गिलास में पानी पिएगा तो क्या होगा, गिलास नापाक हो जाएगा, तो वो भी तो यही सोच रहे हैं ना कि मुसलमान इसमें पानी पिएगा तो ये नापाक हो जाएगा। तो क्या आपको ये दोनों को न्यूट्रल होकर सोचना है कि नहीं सोचना? बात तो ये है सोचने की, बात तो वही है, रसम तो यही समझा रहा है कि भाई इनफोर्स ना करे, किसी क्रिश्चियन को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के साथ ऊपर फोर्स कर ले, कैप्चर कर ले, किसी को नहीं पहुंचता। तो फिर बात हम दोबारा वही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हम कर ले, दूसरे ना करें। भाई ग्लोबल विलेज अगर बनाना है, हार्मनी पैदा करनी है, तो हमें टॉलरेंस के साथ एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, मजबूरी है। हर बंदे को फिर अपनी जगह, हम तो हम ठीक हैं, हमें क्योंकि हर एक, मैंने शुरू में कहा, हर एक रिलीजन वाले को लगता है कि वही ही ठीक है, सब कुछ वही उसी के अंदर कंप्लीट है, मुकम्मल है, उसे लगता है उसी में वो सारा कुछ है। सर पर आप चेंज होते जा रहे हैं, हमें भी पता लगता जा रहा है कि ये चीज़ बुरी है, ऐसे
जी जी हर एक को पता चलता जा रहा है, आप ये भी साथ कहें। सिर्फ अगवानियों को पता नहीं चला कि वो गलत है, ठीक है, अमेरिकनों को पता चला है कि हाँ जी उन्होंने क्रिश्चियनिटी के नाम पर क्या क्या किया है। जब किसी के फलसफे को गलत करते हैं तो साथ आपका अपना फलसफा भी उतना ही गलत हो रहा होता है, अगर बिलीव में बात करें तो। लेकिन अफगानिस्तान के लोग तो ना हार मान रहे। नहीं मान रहे तो मुझे बिल्कुल नहीं जा। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका को इसका बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि उनके ऊपर वार करे। वो चाहता वो ये करता कि उनको अच्छे ट्रेड के ऑप्शन देता, उनको रोजगार के अच्छे ऑप्शन दे देता, उनको अच्छे स्कूल के ऑप्शन दे देता, बस बहुत खत्म हो जाती। 30 साल लगने थे। अब देखो कितनी ये सोच देखे कैसी है। अब इन्होंने कहा है कितनी अच्छी बात की है, मैं भी तो यही कहता, मैं कहता यार इतने से लड़ रहे हैं हम लोग, वो भी लड़ रहे हैं बेचारे मर रहे हैं, उन्हीं के साथ रह ले। टीवी पर अगर एक एंकर कह रहा था, उन्होंने कहा जी बात की है, अगर कश्मीर आप पाकिस्तान को दे देता है ना इंडिया, इंडिया प्यास से मर जाएगा, उसकी मजबूरी है कि वो उसके पास कश्मीर होना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा था, मैंने कहा क्या हम वाकई चाहते हैं कि कश्मीर ले लें और 1 करोड़ बंदे मर जाएं, भूखे प्यासे हो जाएं, या 10 करोड़ लोग भूखे प्यासे हो जाएं? नहीं। अब ये भी तो अगर आप इंसानियत के बारे में सोचते हैं तो फिर तो आपको मुख्तर सोचना पड़ेगा। मुशरफ ने तो कहा था, उसने कहा जी क्या है कश्मीर, मैं मसला हल करता हूँ कश्मीर के, कौन सा मसला है, उसने डिवाइड करो आधा तुम लो आधा हमारे पास, आधा तुम लो, बस खत्म होगी बात। हमारे पास तो आधा है, उनके पास ही होगा ना। अब वो ये कह रहे थे कश्मीर, लेकिन बाद में वो इश्यूज, चलो जी आगे चलते हैं। उसका कहने का मतलब है कि आप रेप को, लूट मार को रोकने के लिए, अपने राइट्स गेन करने के लिए जंगे करते हैं, और जंगों में फिर क्या होता है, जंगों में तो लूट मार करते हैं आप और रेप भी करते हैं। अगर रेप वाली बात आपको हजम नहीं हो रही तो मुमताज मुफ्ती की अलख नगरी पढ़ें, ठीक है, होगी ना। हाँ अलग नगरी में वो जब लगे होते हैं, खेमे लगे होते हैं, तो उसके अंदर वो बता रहा होता है किस तरह वहां पर रेप हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है जब वो तकसीम हुई है। और मुमताज सॉरी और सादत हसन मंटो ने भी लिखा था, सादत हसन मंटो को जानते हैं? एक्सक्यूज मी, कौन सा? हाँ खोल दो, सुन लिया है? सुना दिया, अच्छा ठीक है जी। असल बिलीव दैट मैन इज द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन, इंसान जो है वो एवोल्यूशन से आगे बढ़ा है। यानी कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है उर्दू में, क्या होता है एवोल्यूशन? डार्विन ने ये थ्योरी दी थी एवोल्यूशन, बेहतरी की तरफ आना है एवोल्यूशन, उसका उर्दू में एक लफ्ज था एवोल्यूशन का। यानी कि सिंपलिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ आना, ठीक है, और उसमें बेहतरी की तब्दीलियां आती जाना। देयरफॉर इनिशियली ही हैड एन इम्पल्स ऑफ क्रुएल्टी, इंसान के अंदर शुरू से जुल्म की इम्पल्स, जुल्म करने का जज्बा था, एंड ब्रूटलिटी, और उसके अंदर क्या थी, ब्रूटैलिटी थी। व्हाट इज ब्रूटैलिटी? वहशत थी। फॉर ही वॉज देन वाइल्ड एंड ब्रूटल, बट नाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड टू अ सिविलाइज मैन, अब इंसान सिविलाइज हो चुका है। एंड दैट इंपल्स हैज नाउ डिस्गाइज्ड अंडर वेरियस बिलीव्स एंड आइडियाज, और अब ये इंपल्स, ये जो इंपल्स है ये छुप गई है उसके आइडियाज और बिलीव्स के अंदर। यानी कि इंसान पैदाइशी तौर पर तो वैशी है, अब सिविलाइज हो गया है,
लेकिन उसने अपने अंदर की वहशत को बाहर उखाड़ कर फेंका नहीं है, उसने अपनी वहशत को आउटलेट देने के लिए बिलीव्स बना लिए हैं, इत्तकादात बना लिए हैं, फिरके बना लिए हैं, क्योंकि उस वहशत को कहीं ना कहीं से आउटलेट देना चाहता है। वैसे अगर कोई कहे जी मैं सादिया का मैंने आज कौन काट के ले जाना है, बंदा कहे यार कड़ा काम कर, तूने कौन क्यों काटना है उसका, अब वो नहीं कह सकता ना, शर्माता है, क्योंकि माशा सारा से बुलाया जाए कि कान नहीं काटने चाहिए। तो क्या कहते हैं वो, कहते अगर किसी ने किसी को किसी की गाली सुनी मैं उसका कान काट लूंगा, अगर किसी ने किसी की गाली सुनी जिसने गाली सुनी मैं उसका कान काट लूंगा, अब बिलीव बन गया है ये। अरे भाई गाली कोई दे रहा है तू कान उसके को काटता है, नहीं जी ये तकादात है, ये तकादात ऐसे ही होते हैं, अगर गाली सुनी तो कान काट दिया जाएगा आपका। हिंदू कौन है, तुम्हारे बड़े ही थे, तुम गालियां अपने बड़ों को क्यों देते हो भाई। अच्छा अच्छा ठीक करते हैं, वो हाथ काटते हैं तो मुसलमान जो है ना वो ठीक करते हैं जो करते हैं। He gives an example of the initial opposition of the use of anesthetics for women in operations. वो example देता है कि इंसान कितना वैशी है और अपने beliefs के अंदर अपनी वैशत को छुपा कर बैठा हुआ है। जब बेहोश करने वाली दवाई आई तो कहा गया कि ये औरतें इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि औरतों की डिलीवरी के दौरान चीखों पुकार सुनकर इंसान की वहशत की सेंस को तस्कीन मिलती थी। हेलो Russell thinks that the real cause behind the belief is man's inborn cruelty. और belief के पीछे, हर अकीदे के पीछे क्या है? इंसान की वहशत है। ये सारे views Russell के हैं। बाद में ये ना कहना कि सर आपके ये views हैं। Because I am only interpreting these things. As it is said, a dog, जिस तरह कहा जाता है, a dog, a wife, and walnut tree, the more you beat them, the better they be. असल कहता है, वो कहता है, कुत्ते को, बीवी को, और अखरोट के दरख्त को, जितना फेंटोगे, उतना ही अच्छा होगा। कितना गलत लिखा है ना, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी बेटा। आप लोगों की बड़ी बेइज्जती होगी अभी, कुत्ते को मारो या औरत को, ये कुत्ता और औरत बराबर कर दिया, कुत्ते को औरत को और अखरोट के दख्त को जितना मारोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, रसल नहीं कहता, रसल कहते है ये क्रिश्चियनिटी कहती है, कहते ये तो इनकी इंतहा है, इनकी मेंटेलिटी है, इनके बिलीव देखो कैसे हैं क्रिश्चियंस के। हाँ, और अगर कुत्ते में कोई फर्क, कुत्ता है औरत है और वॉलेट ट्री, उसको जितना फेंटोगे उतना ये बेहतर होगा। तो रसल क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा नहीं, ये रसल इस कोर्ट के हक में है या इसके अगेंस्ट है? शुक्र है खुदा का, जब भी स्टूडेंट आती है पढ़ने वाली वो यही रसल के खिलाफ हो जाती है। और पिछली दफा तो एक लड़की खड़ी हो गई, उसे पूरी क्लास में उसे बैठी थी, उसने कहा जी रसल बहुत गंदा है। मैंने कहा और रसल गंदा कैसे? उसने कहा नहीं सर, रसल बहुत बदतमीज है, उल्लू का पट्टा है, गंदा है। मैंने कहा बेटा क्या बात, वो एक तीन दिन की मगजमारी के बाद उसने बात में, मैं कहा कोई एक बात बताओ जो रसल ने गलत कही हो। तो कहती उसने कहा नहीं है कि कुत्ते को, बीवी को और वॉलेट ट्री को जितना मारो उतना बेहतर होगा, तो ये रसल ने गलत बात की। और मैं कह रसल ने कहाँ कहा है ये, रसल ने तो कहा है कि ये चीज देखो लिखी हुई है और ये गलत है, ये बिलीव है, ये गलत बिलीव है। Another example of the cruelty is the attitude towards an insane. एक और example जुल्मत की वो ये है कि जो इंसान पागल के साथ ट्रीटमेंट है, जब इंसान को कोई साइकिक प्रॉब्लम हो जाता है, वो साइकिक पेशेंट बन जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होता है, तो क्या करते हैं, चारपाई के साथ बांध लेते हैं, गरम गरम उसे सुलाखें लगाई जाती हैं। आपने टीवी पर अब देखा होगा, अब रियल यहाँ पर कम हो गई है ये चीजें, मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं बहुत जोर जोर के,
ये बड़ी मशहूर चीजें थी जो मैंने अपनी नेकेड आईज से देखी है कई मरतबा। एक आदमी है वो नीचे गिर गया और इस तरह कर रहा है, कर रहा है, बंदा बुलाते हैं जिसके हाथ सबसे बड़े हैं उसको ले आते हैं, जिसकी कद सबसे लंबी कद है उसकी, वो गिरबान से पकड़ो उसको इतने थप्पड़ मारता है, मार मार मार, कहते हैं ठीक हो गया, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा, कहते हैं ठीक हो और मारो, मार मार के 3 घंटे मारते रहते थे उसको। बिलीव है ना कि जिन निकाल रहे हैं, बिलीव है। रसल कहते हैं ये साइकोलॉजिकल एक डिजीज है, इस पर जियो पर पिछले दिन एक प्रोग्राम चला है, ठीक है, वो गंदे मुंह वाला, वो गंदी शक्ल वाला एक एंकर है जो लड़कियों को बड़ा पसंद है, हाँ कोई इस तरह का नाम है उसका, उसने ये प्रोग्राम किया था और उसने बताया था, और उसके अंदर वो सारे बाबे बुलाए थे, उन्होंने कहा जी ये जिन है इस शख्स के अंदर, और वो दिखाया भी जिन इसके अंदर हाजिर करें जी, हाजिरी भी उसकी दिलवाई गई। उसके बाद डॉक्टर भी बैठा हुआ था, डॉक्टर ने कहा ये केमिकल इम्बेलेंस होता है, उसने इंटरप्रिटेशन जो की साइकोलॉजिकल की, जो वहाँ पर दूसरे हजरात बैठे हुए थे मौलवी साहबान उनने जो इंटरप्रिटेशन की है वो उन्होंने कहा है कि ये जिन होता है इसके अंदर। अब ये डिबेट कम अज कम 2 महीने चलती रही है, 1.5 महीना चलती रही है, मैं कई वाली देखता रहा हूँ इसके अंदर। बहरहाल मेरा इस चीज़ पर यकीन उस वक्त बढ़ गया कि जिन होते हैं, मेरा अपना ज़ाती यकीन उस वक्त बढ़ गया कि इसमें जिन होते हैं, जब उस साहब ने कहा, मौलवी साहब ने कहा कि जी मैं अभी जिन हाजिर करता हूँ इसका, वो मलंग टाइप आदमी था, उसने कहा मैं जिन हाजिर कर देता हूँ इसका। उन्होंने कहा जी आप बाबा जी हाजिर करें, जिन आएगा, उन्होंने कहा जी आएगा। उसे पानी पाड़ के पिलाया, पानी पिया तो वो आदमी मोटा सा आदमी था, वो घुटनों के बल खड़ा हो गया और चीखे से उसने आंखें खोली, उसने इधर मैं तुम्हें ये कर दूंगा, उसने ऐसे कहा, ऐसे उसे जोर लगाया बॉडी का पूरा, और हम मैं यहाँ बैठा डर गया कि और वाकई जिन आ गया है, और मेरा तो यकीन बन गया भी जिन होते हैं। अगर केमिकल इम्बेलेंस है तो उसकी पढ़ाई हुए उस पानी के साथ कैसे वो आ सकता है। लेकिन मेरा ये जिन पर यकीन का जो आइडिया था ये 3 दिन के अंदर फ्यूज भी हो गया। वो उस वक्त जब मैं फिर दुनिया चैनल देख रहा था और वहां पर अजीजी बैठा हुआ था, तो अजीजी कह रहा था लो जी ये मीडिया वाले भी हम बड़ा चक्कर रहे हैं लोगों को, वहाँ की होया वहाँ के पिछले दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था एक टीवी देते हैं, तो बाबा जी ने पानी दिता तो बंदे में जिन आ गया, और मैं गौर वेख्या मैं कोई शादा नहीं, मैं फोन किया शादा तू नहीं सी उत्थे, वहाँ के मैंने 2000 रुपये दिता है, मैं एक्टिंग कर दी है। शादे को 2000 मेरा शादे ने एक्टिंग कर ली है, मेरा बिलीव तो बड़ा पक्का हो चुका था, अजीजी ने मेरा बिलीव तोड़ दिया। मैं एक लड़की से तो मिला हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स में से एक है, तो उसके ऊपर बड़े अच्छा चुड़ैल रही है, और मैंने उससे बड़ी गुफ्तगू की है, उसका शेप शक्ल सारी पता की है, बताई है उसने। लेकिन वो जो इस तरह बताती थी तो मैं वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहता हूँ कि यार ये होगा सब कुछ, और फिर मैं कहता हूँ असल चीज़ें कि मैं खुद भी इन चीज़ों के पीछे बड़ा भागा हूँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों को चैलेंज किया और ये कहा, मैंने कहा कि मुझे जिन दिखाओ, मुझे दिखाया किसी ने नहीं, मैंने सब कुछ किया है बेटा। मुझे एक बंदे ने वादे किए थे उसने जिन की बस्ती में ले जाऊंगा, और मुझे जिस तरह से वो लेकर गया है वो मुझे पता है, और मेरा उस पर यकीन फिर नहीं हुआ। ओके लेट्स सी, तो एक तो ये रवैया, पीपल प्रज्यूम दैट इट इज द होल्ड ऑफ सम इवल स्पिरिट्स, लोग ये यकीन रखते हैं, मिसाल लोग ये यकीन रखते हैं कि इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ईवल स्पिरिट्स आ जाती हैं, जिस तरह के सिद्रा की खाला में चुड़ैलें आई हुई हैं, दैट मेक्स अ मैन मैड, और इंसान को पागल बनाती हैं। एंड व्हेन अ मैड मैन इज बीटन, और जब एक ऐसे आदमी को मारा पीटा जाता है, द पेन इज फेल्ट बाय द ईवल स्पिरिट, तो पेन उस आदमी को फील नहीं होता बल्कि उस ईवल स्पिरिट को फील होता है। रसल सेज In pursuit of this opinion, इस opinion, इस राय के अगर तलाश की जाए, lunatics were treated for years on end with systematic and conscientious
ब्रुटैलिटी। इस हवाले से देखा जाए अगर तो लुनेटिक्स पागल जो हैं उनको कई सालों तक प्रॉपर चैनल के साथ एक सिस्टम के साथ और कंसीशियस ब्रुटैलिटी और अच्छे तरीके के साथ उनको वैश्यानापन का तशद्दुद होना पड़ा है, यानी कि ऐसी वैश्यानापन था जिसकी प्रॉपर एक सिस्टम था, जो एक ऑर्गेनाइज वैश्यानापन था। कॉन्शियस और कॉन्शियस अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से ब्रुटैलिटी को उजागर किया गया, यानी कि ये जो लुनेटिक्स को मारते थे बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ब्रुटैलिटी लाई गई है सामने। Russell believes that people also disguise their evil passions and religious doctrines. Russell कहता है कि मजहबी डॉक्ट्राइन के अंदर, मजहबी अकायद के अंदर लोगों ने अपनी वहशत को छुपा रखा होता है। Human sacrifice to increase fertility is the clear example of wicked passions hidden beneath. कहता है कि जमीन की जरखेजी के लिए बच्चों को ज़िबा करना ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, और ये हिडन पेशेंस हैं सम रिलीजियस फेथ किसी मजहबी फिरके के। टू अ रेशनल मैन सच थिंग्स आर नॉट मोर देन सुपरस्टिशियस, और अकली लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है महज सुपरस्टिशियस के तहमात परस्ती के। ठीक है, देखो जी दो कंसेप्ट है, क्रिश्चियंस के अंदर से एग्जांपल दूंगा, दो कंसेप्ट है। बच्चा बीमार हो जाए तो परिंदों को दाना दुन का फेंक दें, किसी मासूम जानवर को कुछ खिलाएं पिलाएं, उसको प्यार करें ताकि गुड वेव्स प्रिवेल हो, ताकि वो दुआ करे आपके लिए, वो बकरा है बकरी है वो परिंदा है वो मुर्गा है मुर्गी है कोई भी है, दुआ करे आपके लिए, उसको चीजें खिलाएं ताकि घर के अंदर सुख है, अल्लाह की जात खुश हो कि ये जी अच्छे लोग हैं, इन्होंने कोई गुनाह भी किए हैं तो किसी तरह से मदावा हो जाए। दूसरा ये है कि बच्चा बीमार है बकरा पकड़ के ज़िबा कर दो, ज़िबा जब करोगे तो खून गिरेगा, वो खून जो है वो ईवल स्पिरिट जो आई हुई है जो गंदी बीमारी आई हुई है वो उसको वो खून मिल जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। दो व्यूज है, वो जो मुसीबत आई हुई है बीमारी जो कुछ भी है उसको वो ईवल स्पिरिट है, ये कंसेप्ट है ना, तो उसको जब वो खून मिलेगा बकरे का तो बच्चे की जान छोड़ देगी वो बीमारी, वो उस खून को लेकर या उसको शक करेगी या उस पर रह जाएगी वो चली जाएगी। दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, बिलीव्स हैं, दो डिफरेंट है। ह्यूमनाइज या ह्यूमनिज्म वाला कौन सा बिलीव आपको लगता है? जो दूसरे वाला चाओ छुरी मेरी लक का पार। बकरे वाला सही नहीं है? सही है बकरे वाला। सर ये दोनों ही चलते हैं, ये पहला तो ठीक है दोनों ही, लेकिन दूसरी टैग वो सदके की सोचने वाले, सदका देना चाहिए, सदका तो दूसरी नहीं है ना, लेकिन पहला वाला लेकिन ये बहुत कम रेयर केस है, ज्यादा ये सदके की बात है। अकली लोगों के लिए, अकली लोगों के लिए ये दोनों चीजें सुपरस्टिशियस है। अकली आदमी कहेगा भाई इसको स्टेथोस्कोप लगा कर देखो कहीं इसका सीना खराब है गला खराब है, चेकअप कराओ जो चीज़ है ट्रीटमेंट दो ठीक हो जाएगा, जब बीमारी अगर ठीक होने वाली है ही नहीं तो फिर दफा करो बस घर में रखो चार दिन अच्छे गुजारे बस, सिंपल सी केस। इस वक्त आपके यहाँ लोग सारे काम करते हैं, दाना भी फेंकते हैं बकरा भी काटते हैं दवाई भी लेते हैं, तीनों काम करते हैं आप, ये बात है फिर किसकी क्या शक्ल, ज़्यादा लोग क्या करते हैं अब ये सोचने की बात है। दवाई लेते इसका मतलब है लोग अब रेशनल हो रहे हैं आपके इलाके में भी। ठीक है, सलाम अलैकुम। रसल थिंक्स दैट इट इज द डेथ ऑफ विच विश, रसल कहता है ये डेथ विश है मौत की ख्वाहिश है, विच मेक्स एस्थेटिक्स टू लीव ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, जो कि इंसान को प्लेयरलेस बना देती है और कहती है कि तमाम तर लग्जरीज जिंदगी की छोड़ दो एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर्स, और अपने आप को टॉर्चर्स तकलीफ देने वाली रवैया अख्तियार कर लो, एटीट्यूड अख्तियार कर लो। असल कहता है कि लोग कहते हैं कि ये डेथ विश ये है, इंसान के अंदर डेथ विश होती है
जिसे हम कहते हैं यार मर जाना है यार, हर बंदे ने मौत, हर बंदे को मौत आनी है, बार बार मौत की जो बात करते हैं ये डेथ विश होती है, इससे क्या हम मजबूर हो जाते हैं दुनिया की लग्जरीज को छोड़ने के लिए? एसेटिक्स का मतलब होता है प्लेयरलेस। व्हेन अ मैन टॉर्चर्स हिमसेल्फ, जब एक आदमी अपने आप को टॉर्चर करता है, तकलीफ देता है, फील्स दैट इट गिव्स हिम राइट, महसूस करता है कि ये चीज उसे ये हक देती है टू टॉर्चर अदर्स, कि वो दूसरों को भी तकलीफ दे, एंड इनक्लाइंस हिम टू एक्सेप्ट, और अपने आप को वो इस एज पर ले जाता है, इस तरफ ले जाता है कि वो एक्सेप्ट करे एनी सिस्टम ऑफ डॉगमा, इस तरह का कोई भी अकीदा बाय विच दिस राइट इज फोर्टिफाइड, जिसके जरिए से वो इस राइट को पूरा कर सके। नहीं समझे बात को? वो कहते पहली बात है डेथ विश, डेथ विश आ गई, आपने लग्जरीज छोड़ दी, लग्जरीज छोड़ दी तो आपने क्या कहा, आपने आपको टॉर्चर करना शुरू किया। जब अपने आपको टॉर्चर करते तो आप कहते हैं कि मेरा ये हक है दूसरों को भी मैं टॉर्चर करूं, और दूसरों को टॉर्चर करने निकलते हैं तो कोई आपको टॉर्चर नहीं करने देता, फिर आप ऐसे बिलीव की तरफ चले जाते हैं जो बिलीव आपको ये टॉर्चर करने वाली हिस को सेटिस्फाई करने का मौका मुहैया कर दे। ये जो मतलब कुछ हमारे रिलीजियस लोग हैं जो सैंडल मारते हैं, तलवार मारते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने आप को, करते ना, तो वो ये समझते हैं कि शायद दूसरों को भी टॉर्चर किया जाए, वो समझते होंगे मे बी, लेकिन हम तो ये पहले तो ये समझते तो नहीं है ऐसा, लेकिन राइटर कहता है जो अपने आप को टॉर्चर करेगा वो ये राइट करे, वो ये राइट समझेगा कि दूसरों को भी टॉर्चर किया जाए, वो रसल ये कहता है कि दूसरों को भी टॉर्चर किया जाए, वो दूसरों को भी टॉर्चर करेगा। लुबिलुबाब ये है, जो आदमी अपने आप को टॉर्चर करता है वो कहता है कि दूसरों को भी वो टॉर्चर करना चाहता है। बस डेफिनेटली नहीं दरअसल आल्सो, और ये टॉर्चर करने वाला सिलसिला ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, अहले तशी के अंदर नहीं है ये टॉर्चर करने वाला सिलसिला। आप अगर अफ्रीकन ट्राइब्स देखें तो वो तो जिस तरह से टॉर्चर करते हैं बिल्कुल इसी से मिलते जुलती चीजें हैं, ये संगल मारते हैं वो भी मारते हैं, ठीक है, ये अपने आप को जकड़ कर रखते हैं वो भी जकड़ कर रखते हैं, हथकड़ियां बनाते हैं, वो अपनी जबान के अंदर सुलाखें गुजारते हैं, वो अपने इस चीख के अंदर सुलाखें गुजारते हैं, जियोग्राफिक पर दिखा रहे होते हैं अक्सर, ठीक है, दिखा रहे, इस तरह से वो करते हैं, कानों के अंदर से गुजारते हैं बड़ी बड़ी सीखें, टॉर्चर करते हैं, तो हर रिलीजन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें मौजूद हैं, टॉर्चर करने वाली चीज़ें भी कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। ठीक है, आई थिंक 52 मिनट्स, ये तो चलती रहेगी ना कम, ओके कम कतील शफाई एक पोइट है, उसने कहा था ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील, ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील, अपने गमों को रोते हैं लेके किसी का नाम। फैसल आसुस जस्ट दैट कम्युनिज्म इज जस्टली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट। कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिज्म जो है, जो रशियन जो है, वो भी अपने आप को टॉर्चर करके ये अपना राइट समझते हैं कि दूसरों को भी टॉर्चर करें। फॉर कम्युनिस्ट थिंक्स दैट दे आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड, वो समझते हैं कि वो देवता के सिलेक्टेड पीपल हैं, हु हैव टू एलिमिनेट इवल, जिनको दुनिया की बुराई को खत्म करना है फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर इन दिस केस डेथ इंस्टिंक्ट स्प्रेड इन ऑल ओवर ह्यूमैनिटी, इसीलिए मौत जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर फैल जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रसल, प्राइड इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज दैट हैव डैमेज्ड मैनकाइंड ग्रेटली, फखर जो है ये ऐसा आइडिया है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। फखर, राइट,
Plato says, all men are by nature equal meat. Plato पहला रिपब्लिक था ना, उसने अपनी बुक रिपब्लिक लिखी थी. अब अमेरिका जो है रिपब्लिक ऑफ अमेरिका है, अवामी हुकूमत है, वो डेमोक्रेसी उसी का हिस्सा है. और प्लेटो ने पहले सबसे कहा था कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, तमाम बराबर है. ऐसे नहीं क्लेम करता प्लेटो, ऐसे क्लेम नहीं करता कि तमाम रिलीजन्स का बाप वो है, उससे सारे रिलीजन उसकी बुक से निकले हैं. ठीक है, ये जीव कहते फिरते हैं कि ऑल ह्यूमन आर इक्वल, वी आर सेम. जैसे चोरी किया वहां से, बट वी हैव क्रिएटेड डिफरेंसेस रिगार्डिंग सेक्स. सबसे अहम बात यह है कि तमाम इंसान बराबर हैं, तो हमने क्यों डिफरेंशिएट किया हुआ है सेक्सेस को, कि ये मेल है ये फीमेल है, इसका नाम शी है इसका नाम ही है, ये डिफरेंशिएट कहां से, जब ह्यूमन बीइंग्स हैं दोनों. ये घर में रहेगी ये बाहर रहेगा, बंद कर दिया करें, बंद कर दिया करें, फौरन पूरा बंद कर दिया दीजिए. कलर, रेस, नेशन एंड रिलीजन, जब इंसान बराबर है तो ये चीजें मुख्तलिफ क्यों हैं? द सेंस ऑफ स्पिरिटी इज ऑल्सो एन आइडिया दैट हैज कॉज्ड अ ग्रेट हार्म टू मैनकाइंड. ये स्पिरिटी दूसरों से अफजल होने का जो आइडिया है, इसने भी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है. रसल सेज दैट इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन अमेरिका पीपल कंसीडर देमसेल्व्स इक्वल. क्या कहा है अभी, क्या कहा है अभी? हाँ, ये पूरी लाइन का क्या मतलब बनता है? हेलो, तुम पढ़ सुन क्या रही थी, तुम नीचे देखा करो ना. रसल कहता है कि ये एक इंटरेस्टिंग हकीकत है कि अमेरिकन जो लोग हैं वो अपने आप को बराबर समझते हैं टू जोज हु आर अबव टू देम, उन लोगों के बराबर समझते हैं जो उनसे ऊंचे दर्जे के हैं. बट ऑन द अदर हैंड दे गेन थिंक देमसेल्फ सुपीरियर टू द पीपल हु आर बिलो टू देयर लाइफ स्टैंडर्ड. अमेरिकन के अंदर भी देखो एक मामला है, वो कहते हैं कि उनका खराब मामला ये है, जो अमेरिकन से आला दर्जे के लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये और हम बराबर ही तो हैं, एक जैसे तो हैं, लेकिन जो उनसे निचला दर्जा है उसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे इक्वल नहीं है. आप क्लेम करते हैं बहुत से लोग ये जो अरबी हैं बड़े प्राउड हैं, ये हमें अजमी समझते हैं, हम पर थूकते हैं. और हम स्वीपर के साथ क्या करते हैं, स्वीपर झाड़ू दे रहा होता है और हम साथ से गुजर रहे होते हैं और अपने मुंह पर कपड़ा रखते हैं, कभी स्वीपर को पकड़ कर बाजू से, हम इतना कहना भी गवारा नहीं करते, वो भाई दमे का मरीज हो जाएगा, मुंह पर कपड़ा रखकर फिर झाड़ू दिया कर, इतना कहना भी गवारा नहीं करते हम, क्यों उसे घटिया समझते हैं. ठीक है, तो हमारे अपने अंदर भी तो चीजें मौजूद हैं, इक्वालिटी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. लेकिन हम जुबान से कहते हैं. जी जी, होनी चाहिए. अमल तो नहीं कभी भी, कोई भी नहीं करता. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना चाहिए इक्वालिटी. इन रशिया द प्रोलेट्रेट वर्कर जो क्लास है, वर्कर प्रोलेट्रेट लेबर क्लास हैज इमर्ज्ड एज प्रिविलेज क्लास. ये बहुत बड़ी क्लास बन चुकी है. रसल सेज दैट सेम इज द मैटर ऑफ रिलीजन. ऐसा ही मामला मजहब के साथ है. द फॉलोअर्स ऑफ वन फेथ, एक तकादात रखने वाला, एक अकीदा रखने वाला शख्स कंसीडर देमसेल्व्स टू बी द ओनली क्लेमर्स ऑफ हेवन. वो समझता है जन्नत सिर्फ उसी का हक है. एक अकीदे पर यकीन रखने वाला शख्स क्या समझता है कि जन्नत उसी का हक है.
उसी को मिलेगी। अगर आप सारे के सारे एलर्जीज बैठे हुए हैं तो आप समझते हैं कि सारे जन्नत आपको ही मिलनी है क्योंकि आप शिर्क नहीं करते। अगर देवबंद बैठे हुए हैं तो आप कहते हैं जन्नत आपको मिलनी है क्योंकि आप ना सिर्फ गॉड के फॉलोअर हैं बल्कि आप बुजुर्गों का अदब भी करते हैं, नेक लोगों को प्रेज भी करते हैं, उनकी अच्छी बातें फैलाते भी हैं साथ साथ। अगर आप बरेलवी हैं तो आप कहेंगे जन्नत सिर्फ आपको मिलेगी क्योंकि आपको दाता साहब लेकर जाएंगे, आपको वो बरगजीदा लोग लेकर जाएंगे जिनका गॉड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है।